फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएशन में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे सोया चंक्स वेज बिरयानी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बासमती चावल भीगे हुए। इसे हमने दो बार अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है चावलों को और दो कप पानी में भिगो दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। 50 ग्राम भीगे हुए सोया चंक्स, 50 ग्राम पनीर चौकोर पीस में कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज चौकोर पीस में कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते। ये हमने सारे खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 टुकड़ा जावित्री का और 5 से 6 काली मिर्च लेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 कली लहसुन की, कुछ धागे केसर के पानी में भीगे हुए और नमक स्वाद अनुसार, और गार्निशिंग के लिए तली हुई प्याज और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। हमने गैस ऑन करके भगोना चढ़ाया है और उसमें हमने एक्स्ट्रा 2 ग्लास पानी और डाल लिया है। अब गैस को फुल कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे और इसी के साथ हम ये जो लहसुन की कलियां हैं वो डाल देंगे। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो ना डालें। और अब हम जो खड़े हमने मसाले लिए थे उसमें से 1/2 मसाले हम इसमें डाल देंगे और 1/2 बिरयानी में मिलाने के लिए अलग रख लेंगे। अब हम तेज पत्ते भी डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1/3 गरम मसाला। अब पानी खौलना शुरू हो गया है, अब इसमें हम चावल मिला देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसे ढककर पका लेंगे। लेकिन जैसे हम पूरे चावल पकाते हैं उस तरीके से हमें नहीं पकाना है, थोड़े 1 कनी कच्चे रहने चाहिए चावल, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम एक पैन रखेंगे, और उसमें जो बचे हुए खड़े मसाले थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा हम उन्हें रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम जीरा भी डाल के रोस्ट कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये जितना हमारा बर्तन गर्म रहेगा उतनी देर में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये चावल अच्छे से पक गए हैं, अब गैस बंद कर देते हैं और इन्हें पानी से अलग कर लेते हैं। अब हमने चावलों को पानी से स्ट्रेन कर लिया है, पानी निकाल दिया है, चावलों को ठंडा कर लिया है और 2 हिस्सों में बांट दिया है। वो इसलिए कि जो हमने ये सैफरन का पानी बनाया था अब हम इसे 1 हिस्से में मिला देंगे और इसको हम सारे चावलों में मिला के और पीला कर लेंगे। और जो भी हमने चावल उबालते समय ये सारी चीज़ें डाली थी, तेज पत्ता और लहसुन वगैरह, वो सब हमने अलग कर लिया है ताकि खाने में ये मुंह में ना आए। और अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं। और जो हमने मसाले रोस्ट किए थे वो हम इसमें डाल देते हैं।
अब ये तड़का गरम हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे और हल्का सा ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। प्याज भुन गया है, अब हम सोया चंक्स डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम चावल डाल देंगे गरम मसाला डालेंगे नमक हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया बचा लेंगे और अब इन सबको एक साथ मिला लेंगे। अब इसमें हम सबसे आखिर में पनीर डालेंगे। बिरयानी में ऑरेंज कलर डाला जाता है, मैंने ऑरेंज कलर नहीं डाला है। इसमें हमने सैफ्रन लिया है इसलिए ये येलो कलर आ गया है, जो कि हार्मफुल नहीं है। अब इसको अच्छे से मिला के और सर्व करेंगे। अब ये गर्मा गर्म बिरयानी बनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे ऊपर, और ये तली हुई प्याज है जो हमने ऑयल में तल ली है और इसको हम ऊपर से डालेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब ये गर्मा गर्म बिरयानी खाने के लिए तैयार है और इसे दही और धनिया की चटनी के साथ और प्याज के लच्छे के साथ सर्व करें। और टेस्टी और हेल्दी डिश है, इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।